नमस्कार दोस्तों, AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस बार यूपी के किसी टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसी अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि जो इस बार काउंसिलिंग की प्रक्रिया है यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में वो आपकी ऑनलाइन होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होती कैसे है, किस तरीके से आपको काउंसिलिंग करवानी पड़ती है, ऑनलाइन काउंसिलिंग और ऑफलाइन काउंसिलिंग क्या है, इसमें क्या क्या आपकी समस्या होती है और क्या क्या इसके फायदे होते हैं, सारा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप ठीक ढंग से काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो कभी कभी आपके हाथ से कोई अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच निकल जाती है और किसी दूसरे बंदे को मिल जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा आती रहेंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी के किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है उसको हमने यहाँ पे 8 स्टेज में डिवाइड किया है। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेज आपसे मिस हो गई तो कन्फर्म है कि आपको काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, शुरू करते हैं अगर हम पहली प्रक्रिया से, जो कि होता है एग्जाम कम्प्लीट, यानी कि पहले तो सिंपल सी बात है, आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक के, उसके बाद आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम आपका कम्प्लीट हो जाता है, यहाँ तक ये प्रोसेस आपकी कम्प्लीट हो गए। उसके बाद आपकी आंसर की आती है, आप आंसर की को मैच कर सकते हैं और उसके बाद आपका फाइनली आता है रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट अनाउंसमेंट है। अब रिजल्ट अनाउंसमेंट में ही आपकी जो बातें होती हैं वो क्लियर होने लगती हैं कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके का आपका रिजल्ट रहता है उसी तरीके से आपकी रैंक बनती है, और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स रहते हैं तो आपकी रैंक ज़्यादा रहती है, बट अगर आपके मार्क्स कम रहते हैं तो ऐसे में आपकी जो रैंक रहती है वो डाउन रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम आपको अच्छे से देना है ताकि आपका अच्छा रिजल्ट है और आपकी जो रैंक रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब जितनी अच्छी रैंक रहेगी उतना आपको फायदा मिलने वाला है। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, चॉइस फिलिंग। तो यहाँ से शुरू होती है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया, अगर एक तरीके से देखा जाए। चॉइस फिलिंग का मतलब यह है कि अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अब कौन से कॉलेज को आप लेना चाहते हैं, कौन से ब्रांच को आप लेना चाहते हैं। तो चॉइस फिलिंग के अंदर मेनली आपको दो चीज़ें फिलिंग फिल करनी पड़ती हैं, एक तो आपका कॉलेज कौन सा है और एक तो आपकी ब्रांच आपको कौन सी लेनी है। तो यहाँ पे अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपके रैंक ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो आप जो टॉप के 10 गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उस तरीके से आप उन टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपकी रैंक थोड़ी कम है, यानी कि रैंक आपकी ज़्यादा है, यानी कि आप नीचे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चुन लेने चाहिए ताकि उनमें से आपको कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला स्टेप है, स्टेप नंबर फोर में आता है हमारा चॉइस लॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, चॉइस को फिलिंग के बाद आपको करना पड़ता है चॉइस को लॉकिंग, कि हम इन चॉइसेस को लॉक कर रहे हैं और हमारी जो पहली काउंसलिंग है इसको यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। जब आप चॉइस को लॉक कर देते हैं तो उसके बाद आपको 2-3 दिन तक प्रोसेस चलता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको पता लगता है कि आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट की गई है। यहाँ पे मेन चीज डिपेंड ये करते हैं कि किस कॉलेज में किस ब्रांच के लिए अच्छे रैंक वाले लड़कों ने अप्लाई किया। मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 100 तक के बच्चों ने अप्लाई किया है, तो अगर आपकी रैंक 100 के आउट है तो आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। बट इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे जो रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, अगर आप काउंसलिंग तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आपको पूरी प्रक्रिया पता लगने वाली है कि आखिर किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है और वो कौन कहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक्स काम करती हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं सीधे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सीट अलॉटमेंट। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस पे, तो मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 3 और 4 में, सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है चॉइस की फिलिंग, फिर आप चॉइस को लॉक करते हैं। चॉइस का मतलब है कि आप कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं। तो पहले तो आपने अपना ब्रांच और कॉलेज भर दिया, फिर आपको जो लॉक कर दिया आपने, और फाइनली जब आपकी जाँच हुई, जो आपकी वहाँ पर प्रोसेस होती है, प्रोसेस करने के बाद आपको सीट का अलॉटमेंट कर दिया जाता है कि आपको इस कॉलेज में ये वाली सीट प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपनी सीट मिलता है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, रैंक अच्छी है, तो आपको पहली वाली काउंसलिंग में मिल जाएगी सीट। मगर अगर आपकी रैंक खराब है तो आपको हो सकता है कि 2 या 3 राउंड के काउंसलिंग तक वेट करना पड़े, आपको सीट नहीं मिल पाती है। तो इसके बाद हमारा आता है सीट को लॉकिंग। सीट लॉकिंग की प्रक्रिया ये होती है कि मान लीजिए कि अगर आपको सीट पसंद आ गई है, कॉलेज पसंद आ गया है, अगर आप चाहते हैं कि हमको ये कॉलेज लेना है, तो आप वहाँ पर अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी बहुत फीस लगती है, आप उस फीस को सबमिट कर देंगे, आपकी जो सीट है वो लॉक कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये सीट गलत मिल गई, मैं यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आपके 2 ऑप्शन काम करते हैं। एक होता है ऑप्शन फ्रीज का, एक दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट का। फ्रीज फ्लोट ये सब आपको मैं बताऊँगा आगे चल के, अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर आप किसी ब्रांच को फ्रीज कर देते हैं तो वो आपकी जो सीट होती है वो लॉक हो जाती है। बट अगर आप वहां से फ्लोट कर जाते हैं, यानी कि फ्लोट करने पर आपको अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इस कॉलेज को छोड़ सकते हैं। तो 6 नंबर तक की स्टेप अब यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा।
अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने उसी सीट को लॉक कर दिया जो कि आपको फर्स्ट राउंड में मिली थी, तो यहाँ से आपका सीट जो लॉक हो जाती है, इसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन को लेना पड़ता है। मगर आप दोस्तों अगर उस सीट को नहीं लेते हैं, वहाँ से फ्लोट कर जाते हैं और अगले राउंड की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर से आपका स्टेप नंबर जो 3, 4 है, 5 है, वो सभी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि चॉइस को लॉकिंग, फिर चॉइस को फिलिंग, और चॉइस को फिलिंग के बाद आपका सीधे सीट अलॉटमेंट, और उसके बाद फिर से आपको सीट को लॉक करना पड़ेगा। बट मान लीजिए कि अगर आपने पहले राउंड की काउंसिलिंग में ही अपनी सीट को लॉक कर दिया, फिर आपका एडमिशन होता है स्टार्ट। एडमिशन स्टार्ट कोई ज़्यादा खास प्रोसेस नहीं होता है, बस यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है, आपको जो बेसिक से डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बारे में आपको आगे वीडियो मिलेगी, तो वहाँ पे आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, कुछ फीस लगती है, आपको फीस का पेमेंट करना पड़ता है, और वहाँ से आपके जो एडमिशन है वो डन हो जाता है। और एडमिशन डन के बाद आपको कुछ दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि थोड़े बहुत दिन तक आपका कॉलेज बंद रहता है एडमिशन मिलने के बाद, और फाइनली कुछ दिन के बाद आपका जो कॉलेज है वो खुलता है, और उसी तरीके से आपको जो क्लासेज होती हैं, आपकी जो ब्रांच मिलती है, वहाँ से आपको अटेंड करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा आती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।